हेलो फ्रेंड, एसपीएच मुसाफिर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, सबसे वीडियो पहले पाएं। एक नई वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ। भाई सुबह हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं अब 9। और एक्चुअली में क्या है, हमें उठना जल्दी था और हमेशा की तरह हम हो गए हैं लेट। और आज जो है कि हमारा नैनीताल के अंदर में सेकेंड डे है और मैं बिल्कुल ही तैयार होकर फिट एंड फाट होकर और यहीं आसपास का हम व्यू लेंगे। व्यू लेने के बाद व्यू लेते लेते हम वापसी दिल्ली निकल जाएंगे। अब जो है कि फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं। कभी भी आप लोग होटल छोड़ रहे हो, होटल छोड़ने से पहले जो है ना तसल्ली से आप अपने होटल को चेक कर लेते हैं। तो चलो चलते हैं, बाय बाय नैनीताल, फिर मिलेंगे आपसे। तो चलो चलते हैं भाई। लेकिन होटल यार बहुत बढ़िया था। तो देख रहे हो अभी आप आसपास के व्यू ले लो। और इस होटल का ये जो होटल दिखता है वो इस तरीके से दिखता है। और ये देख रहे हो आप पूरा ये सामने पीछे की तरफ। और यहाँ तो ये और बाकी यहाँ का ये व्यू है सारा, देख रहे हो क्या अल्टीमेट जबरदस्त। मतलब बस गजब गजब। तो अब हम अपना आईडी जो दिया था लेते हैं और वापसी निकलते हैं। क्या चल रहा है और देखते हैं बाहर हमें क्या मिलता है। होटल से बाहर निकलने के बाद क्या नज़ारे मिलते हैं। और ये देखो ये जो रोड है वन वे है और नीचे की तरफ से जो है कि आप जा सकते हो, उधर से सिर्फ आने सिर्फ सामने से आ सकते हो बस। तो ये वन वे रोड है और हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दिया, हम यहाँ का जू नहीं। तो बात ऐसी है, हम जब होटल से निकले तो भाई ऐसा था, हमने सिर्फ चाय वाय पिया था, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था। तो रास्ते में हमें दुकान नज़र आई है रोल की और हम यहाँ पे जो है कि रोल खा रहे हैं। मैंने अपने लिए पनीर रोल लिया है, मनु ने कहा मुझे पनीर नहीं मुझे एग रोल खाना है, तो वो ले रहा है अपना एग रोल। तो भाई साहब भी बना रहे हैं, तो कैसे बन रहा है ये चलो वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को और खा के फिर अपा निकलते हैं। तो ये चल रही है रोल की तैयारी और ऐसे ये बटर लगा रहे हैं। अच्छा मैं बटर के साथ इसके बाद ग्रिल होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सर्दियों में पता नहीं लगता ना शक्ल एक जैसी हो जाती है सबकी। क्या कहाँ है जो आइस की तरह नजर आता है बता रहे ऊपर से कौन सी गड्डी? ये वाला जो अपना नैनीताल वाला जो लेक नीचे वाला वो कहाँ से दिखता है, वो जो आंखें दिखती है बताते हूँ। अच्छा वो ऊपर रहता है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, तो मैंगो शेप में तो मैंगो शेप में तो देख लिया हमने, आँख की तरह वाला नहीं देखा हमने। अच्छा अच्छा चाइना पिक। हाँ जी ये पनीर वाला है ये। हाँ जी से निकल रहे हैं। हमने मैगी वैगी खा लिया है और ज़बरदस्त मैगी था, ज़बरदस्त जो है कि रोल था, मतलब मज़ा आ गया था। चलो चलते हैं अब। हाँ गाड़ी के अंदर में और कतई जहर भाई। तो बात ऐसी है, अब हमने खाया मैगी और खाया एग रोल और थोड़ी सी शरीर में आ गई है जान। जान आई है तो थोड़ा सा गाड़ी को खींच लिया जाए और फिर उसके बाद जो है कि रास्ते में जो भी व्यू हमें मिलेगा उस व्यू पे रुकेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी सुबह का जो नज़ारा है बहुत ही अजब है। सामने का जो नीला नीला आसमान दिख रहा है और उन आसमानों के बीच में जो बादल हैं ये वाइट वाइट से बादल वो ज़बरदस्त है। ये वाली गाड़ी भाई साहब रात के नशे में, और गाड़ी है तुम्हारी HR हरियाणा वालों की भाई साहब, दारू के नशे में ज़रूर इन्होंने कांड किया होगा और
हुए, उतर के देखें क्या। ऊपर से आई और नीचे चली गई और गाड़ी रात को गिरी है मेरे हिसाब से। मोनू बंदे लग रहे हैं, बंदे हैं इसमें? बंदे नहीं है, बंदे तो निकल गए होंगे यार। निकल गए ना, तो ही नहीं है। बंदे होते तो निकाल के ले गए होंगे, थोड़ी छोड़ दूंगे। लेकिन बहुत गंदे तरीके से गिरी है। लेकिन भैया यार शीशा उसा कुछ नहीं टूटा यार। कोई है क्या? दारू पी के ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा करके हादसे होते हैं ड्रिंक करके जो लोग चलते हैं उनके साथ ही। सब ओके है, चलो बंदे निकल गए थे, कोई भी नहीं है इसके अंदर में। और चलो और चलो, जैसे जैसे आपको आगे का व्यू मिलता रहेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। चलते हैं, मिलता हूँ आगे की ओर। तो एक्चुअली में क्या है, आप ये जंगल जो देख रहे हो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काफ़ी मशहूर जगह है ये। काफ़ी आप लोगों ने नेट पे भी, गूगल पे भी, आप लोगों ने यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी इसकी वीडियो देखी होंगी यहाँ की। मैं सोच रहा था मैं यहाँ रुकूं, पर एक्चुअली में क्या है, थोड़ा सा अब टाइम का भी हिसाब किताब देखना है, और आपको पता है मुझे एक से दो दिन का ही टाइम मिलता है ट्रैवलिंग का। तो फ़िलहाल जो है कि अब हम रुक नहीं सकते, इसलिए हम कुछ काम है तो चल रहे हैं आगे। बाकी अच्छा जंगल दिख रहा है, काफ़ी घना है, खतरनाक सा लग रहा है। और जब रात को आए थे इन जंगलों के बीच में से, तो फिर वो रात को जंगल दिखा नहीं था हमें। और बाकी अगर हमें कोई जानवर दिखता है इस रोड पे, तो आप भी देखोगे और मैं भी देखूंगा, क्योंकि पहले तो नज़र कैमरे की पड़ेगी, मेरी नज़र तो बाद में पड़ेगी उस पर। क्या हो गया, देख रहे हो आप? ये होता है लापरवाही से चलाने का तरीका। देख रहे हो आप सामने क्या हो रहा है, ये रोड पे लगा दिया इन्होंने जाम। चलो जैसे जैसे आप लोगों को नज़ारे और जैसे जैसे लोगों के हादसे दिखेंगे, हम आप लोगों को दिखाते चलेंगे जो भी इस रास्ते में नजर आएगा। बंद करते हैं। तुम इधर आ जाओ, जरा सा लाइट जल जाओ भाई। तो भाई ये था अपना नैनीताल से दिल्ली का सफ़र, और मैं अभी अपने घर आ चुका हूँ। गाड़ी को जो है कि पार्क कर रहा हूँ, और जहाँ पार्किंग करता हूँ यार वहाँ जगह मिले नहीं, क्योंकि पता ही आप लोगों को थोड़ा सा यार अभी एक्चुअली में क्या है, दुकानें वकानें बहुत जल्दी बंद हो जा रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही था दो दिन पहचाना में दिल्ली में अपने जो है कि फालतू की अफवाहों की वजह से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो लोग फटाफट जल्दी जल्दी दुकानें बंद कर दे रहे हैं। तो मनोज को उसके घर छोड़ दिया है, वो भी चला गया है। सामने थका हुआ हूँ, आंखें भारी भारी सी हो रही है, हो नींद आ रही है भाई ज़बरदस्त वाली। बाकी आप लोग कमेंट में बताना भाई आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और बाकी थोड़ी बहुत तो यार कमियाँ, और जब तक ना हो तब तक जो है कि जब तक आप वीडियो में कमी नहीं निकालोगे तब तक मुझे अपनी कमियाँ नहीं पता लगेगी। तो भाई आप लोगों को कोई कमी नज़र आती है तो वो भी बताना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। चलो लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम। नींद आ रही है बहुत ज़ोर से भाई। और हाँ, अरे ये तो बताना भूल गया भाई, टाइम हो गया भाई साहब 10:56, और जहाँ तक कि मुझे याद है नैनीताल से जब मैं निकला था 10:30 या 11 बजे का टाइम था, और यानी कि मतलब सोचने वाली बात है से मतलब 12 घंटे लग गए हमें पूरे, क्या भाई 7 घंटे का रास्ता था। चलो अब सोते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम, बूम।